दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हीट सिंक लगे हुए हैं इनके साथ IGBT लगे हुए होते हैं लेकिन ये इधर अवेलेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। कि ये एक वेल्डिंग मशीन आई है हमारे पास डॉन वालों की, तो ये देख लें डॉन ट्रेडर्स मंडी मोड़ रावलपिंडी। तो ये मशीन खोलते हैं जी और देखते हैं इसके अंदर क्या मसाइल हैं और क्या सोल्यूशन है उसका। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हीट सिंक लगे हुए हैं इनके साथ IGBT लगे हुए होते हैं लेकिन ये इधर अवेलेबल नहीं है। ये लगता ऐसी है कि किसी टेक्नीशियन ने किसी इंजीनियरिंग की शॉप पे ये खुली है और उसके बाद इसके ऊपर काम हुआ है लेकिन ये बीच में आधे में ही छोड़ दी गई है। इसके अलावा इसमें ये देख लें एक कैपेसिटर यहाँ पर लगता है, DC कैपेसिटर 300 वोल्ट का और 450 वोल्ट, 300 वोल्ट और 680 UF का कैपेसिटर लगता है, वो भी नहीं है। और यहाँ पर एक IC लगती है, ये सप्लाई का पोर्शन है, इसमें IC लगती है, वो भी नहीं है। और बाकी जो इसके मसाइल हैं कंट्रोल सर्किट वाली साइड के, वो भी हम देखेंगे कि ये IC लगे हुए हैं, इनकी इनपुट आउटपुट चेक करेंगे और इनका बिहेवियर चेक करेंगे और इस कार्ड को, इस वेल्डिंग मशीन को सर्विसेबल करेंगे। ये देख लें, ये आप देख सकते हैं कि IGBT यहाँ से निकले हुए हैं, ये होल नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें 2 IGBT लगते हैं और ये एक जंपर वायर है जो सप्लाई को मिलती है। सप्लाई का प्रिंट ख़राब था और किसी भाई ने ये जंपर वायर लगा के इसको चालू किया है और इसकी वायरिंग की कंडीशन भी देख लें। इस तरह के काम ना किया करें जिसमें स्पार्किंग का डेंजरस मतलब डेंजर ख़तरा हो और किसी किस्म की जो है ना वो एबनॉर्मलिटी, मिस हैंडलिंग और इस तरह करने से जो है ना वो होता है। कोशिश किया करें कि तारों की ग्रिपिंग सही तरह करें और इनपुट आउटपुट की वायर बेशक थोड़ी छोटी हो जाए, आगे लगा के इसको जो है ना वो कनेक्ट कर लें, लेकिन ये वाला मसाइल, इस तरह का काम करने से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो अभी इसको कार्ड को हम वायर निकालते हैं जी, कार्ड को निकालेंगे और इसको डिटेल से हम जो है ना देखेंगे कि इसके अंदर जो जो मसाइल हैं वो रिकवर करेंगे। दोस्तों ये देख लें, इसकी सप्लाई हमने ओके कर दी है। इसकी पावर सप्लाई 24 वोल्ट की ख़राब थी जिसमें ये IC मिसिंग था, IC हमने लगा दी है। ये वाला कैपेसिटर है 1 nF का, ये अभी हमने लगा दिए, 102 कोड बनता है इसका। इसके अलावा इसकी रिले है, ये यहाँ पे एक रिले लगती है 24 वोल्ट की, 24 वोल्ट की रिले ख़राब है, वो हम रिप्लेस करेंगे अभी। लेकिन रिले का फंक्शन बाद में शुरू होता है, पहले सप्लाई की जो कन्फर्मेशन है वो बता देते हैं आपको कि ये बैक साइड पर एक जंपर लगा हुआ था वो हमने उतार दिया है और ये शॉर्ट जंपर लगा दिया है, जिस जो जंपर लगाने की वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये आप ट्रैक देख सकते हैं कि ये एक ट्रैक है, वो प्रिंट इसका जला हुआ है यहाँ पे, ओवरलोड की वजह से ये प्रिंट जल गया था और जिसको हमने जो है ना वो जंपर लगा के बहाल कर दिया है। तो अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे और आपको इसके ना वो सप्लाई की आउटपुट चेक करवाएंगे। ये देखें जी, इसको हमने ऑन कर दिया जी और देख लें, ये देख लें जी 25 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं। ये 25 वोल्ट इस जैक के ऊपर भी आते हैं और साथ पैरेलल में इस रिले के ऊपर आते हैं। तो अभी इसमें रिले लगाने वाली है और इसके अलावा ये देख लें, एक IC लगती है यहाँ पे, ड्यूअल मॉस्फेट IC है 4688, ये ख़राब है, ये हमने निकाल दिए बाहर। इसका एक जो है ना वो एक साइड मॉस्फेट की शॉर्ट है इसकी, इसका जो पी चैनल और एन चैनल है, इसमें एन चैनल शॉर्ट है और पी चैनल ठीक है, चूँकि आधी ठीक है आधी ख़राब है, इस करके एक पैकेज में ये सारे, तो इस करके हमने IC रिप्लेस करनी है। आधी IC तो आपको पता इस्तेमाल हो नहीं सकती, तो अभी दूसरे वाले IC इसकी ठीक है, ये लगाने के बाद इसको हम 35-25 जो IC है उसको चेक करेंगे। और इसके बाद ये देखें, ये लगे हुए हैं SMD की जगह पे, ये दूसरे रजिस्टर लगे हुए हैं, इसको हम जेन्युइन कंडीशन में बाल करेंगे और फाइनलाइज करेंगे इसको और इसमें रिले लगाएंगे। रिले लगाने के बाद ये IC ठीक करने के बाद इसके गेट वोल्टेज जब आउट होंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी आउट हो जाएगी, तो उसके बाद बाकी लवाजमात इसके पूरे करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं, इसमें 2 IC लगते हैं, ड्यूअल मॉस्फेट पी चैनल एन चैनल, तो एक तो ख़राब था वो हमने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन बाद में डिटेल से अब जब हमने चेक किया, इसको पावर देके वोल्टेज जब अप्लाई किए हैं इसके ऊपर 24 वोल्ट 15 वोल्ट,
तो दूसरे वाला आईसी भी काम नहीं कर रहा था, इन दोनों को हमने निकाल दिया। और इसके बाद इसका जो पीछे वाला सर्किट जब हमने चेक किया तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैपेसिटर के साथ ही है। ये कैपेसिटर की जो पॉजिटिव बनती है लीड, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके साथ लगा हुआ है। तो हमारे जो 15 वोल्ट ये चॉपर आउट कर रहा होता है, ये चॉपर ट्रांसफार्मर आपको एक नज़र आ रहा है हाई फ्रिक्वेंसी का, ये 15 वोल्ट जब आउट करते 24 वोल्ट और 15 वोल्ट, 24 वोल्ट इसके ओके हो गए हैं, अवेलेबल हो चुके हैं, जो रिले को जाते हैं, फैन को जाते हैं। इसके अलावा जो 15 वोल्ट इसके आउट हो रहे हैं वो इस कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्ट इधर आ जाते हैं यहाँ पे, ये 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू इस आईसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये देख लें, ये आईसी जो ही शॉर्ट हो गए हैं तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है ना वो ये जल गया था। ये एज ए फ्यूज़ आप समझ लें, या मतलब कि एज ए जस्ट एज ए फ्यूज ही काम करता है कि आगे अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो तो पीछे मिसाइल ना आए, ये बेचारा खुद जान दे देता है लेकिन आगे बचा लेता है चीज़ों को। तो ये देख लें जला हुआ है, इसको हम निकालेंगे और इसकी जगह पे नया रजिस्टर लगाएंगे, फिर आईसी लगाएंगे और बाकी मामला इसके आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों इसके मोस्टली प्रॉब्लम जो है ना वो हमने कंट्रोल कार्ड के ओके कर दिए हैं। ये देख लें 1 ओम का रेजिस्टेंस, एक जो इधर रजिस्टर लगता है वो हमारे पास SMD में 1 ओम नहीं था, तो हमने 2 ओम का जो है ना वो 2.2 ओम के पैरेलल करके दो लगा के इसको 1 ओम बना दिया, ठीक है जी। और इसकी सप्लाई भी बहाल हो गई है, ये दोनों आईसी हमने लगा दिए हैं, ड्यूअल मॉस्फेट आईसी, जिनकी डिटेल पहली वीडियो में मैंने आपको शेयर की थी। तो दोबारा जो है ना इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो अभी इसकी आउटपुट जो है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी 45 किलोवाट जो इधर बनती है वो नहीं आ रही थी, तो अभी इसको हमने ऑन पावर ऑन किया है जी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल हो चुकी है। तो ये देखें जी, ये आईसी की आउटपुट के ऊपर हम देख रहे हैं जी, मीटर के ऊपर आप देख लें, क्लोज व्यू दिखाएं नज़दीक करके, ये देख लें जी 45.5 किलोवाट ऑसिलेट कर रही है, ये दोनों के ऊपर आ रही है और 35-25 जो है चिट्ठी पर ये भी काम कर रही है सही तरह से, और ये सर्किट कंट्रोल सर्किट इसका ओके हो चुका है। बाकी ये ड्राइवर वाला सर्किट रहता है, उसमें जो मसाइल है वो हम हल करेंगे और इसमें कैपेसिटर लगाएंगे वो बाकी ठीक करेंगे। ये रिले हमने इसमें लगानी है, बाकी इंशाल्लाह इसको ओके करते हैं फिर आपके साथ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें जो मिसिंग चीज़ें थी वो हमने लगा दी हैं और जो फॉल्ट थे वो हमने रिकवर कर दिए हैं। ये दोनों आईसी भी हमने चेंज कर दिए, इसकी 1 ओम की रेजिस्टेंस भी हमने लगा दी है, 2 ओम के पैरेलल में जो है ना दो लगा के 1 ओम बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आईसी लगती है LNK 626, ये भी लगा दी है, ये रिले भी हमने लगा दी है, ब्रिज रेक्टिफायर इसका जो है ना वो मिसिंग था वो भी हमने लगा दी है। पहले जिस किसी भाई ने खोला था और वो ऐसे ही जो है ना अधूरा छोड़ दिया था, तो ये इसके सारे मामलात क्लियर हो गए हैं। IGBT इसमें लगा दिए हैं, IGBT की ड्राइव जो थी, ड्राइव के सारे कंपोनेंट निकाल के SMD लगा दिए हमने, थ्रू होल वाले रेजिस्टेंस निकाल के SMD लगा दिए और इसको जेन्युइन कंडीशन में बना दिए। तो ये इसकी आप लुक देख सकते हैं कि ये बेहतरीन कंडीशन में हो गया है। अभी इसको हम पावर ऑन करेंगे और इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसके आउटपुट वोल्टेजेस मेजर करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करते हैं जी। पावर ऑन करेंगे तो ये देखें जी, पावर ऑन हो गया जी। और अभी इसकी जो आउटपुट है वो हम देखते हैं मीटर के ऊपर, लेकिन इसका जो फैन है वो रन नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो फैन क्यों नहीं रन कर रहा ये हम देखते हैं, या तो फैन इसका ख़राब है या इसमें कोई मसला है। इसके देख लें 25 वोल्ट अवेलेबल हैं, लेकिन 25 वोल्ट जो फैन को मिल रहे हैं वो फैन चल नहीं रहा इसका, फैन इसका शॉर्ट है। जो ही इसको हम लगाते हैं और 25 वोल्ट इसके जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, लोड ले रहे होते हैं। तो फैन अभी हम पेंडिंग करते हैं, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। और अभी इसकी आउटपुट देखते हैं, ये मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं 74 वोल्ट अपीयर हो चुके हैं और ये काम कर रहे हैं। एक दफ़ा इसकी हम वेल्डिंग टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसका फैन हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो देख लें दोस्तों, ये विद ऑल रिस्पेक्ट एवरीथिंग इसकी ओके हो चुकी है, इसका फ़ैन भी हमने लगा दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर भी, बटन भी, ICs भी लगा दिए हैं, IGBT भी और पावर सप्लाई के ICs भी लगा दिए हैं, बाकी सारे मामला इसके क्लियर हो गए हैं। अभी देखें इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसको पावर ऑन हमने किया हुआ है डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर और इसको अभी वेल्डिंग इसकी आप देख लें, चलाएं जी रात।
ये बेहतरीन वेल्डिंग कर रहे हैं जी, और थोड़ा स्लो करंट के ऊपर भी आप देख लें जी। कंटिन्यू चलाएं आग, दैट्स ऑल। तो आपने देख लिया इसका रिजल्ट कितना उम्दा हो गया है, कितना बेहतरीन हो गया है। तो रिपेयरिंग के हवाले से कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कोई भी किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। व्हाट्सएप के ऊपर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।